देखो बच्चों, हमने पोएम को रिसाइट यानी गाया भी और उसको एक्सप्लेन किया मैंने, तो हमने उसको समझा भी। तो अभी नेक्स्ट पेज पे क्या है, चलो देखते हैं, उसको रीड करना है। लेट्स रीड यानी कि चलो हम रीड करें। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। मैं आई यानी कि मैं, वंडर यानी कि सोचता हूँ, इफ यानी कि जो, द सी यानी कि दरिया इज ब्लू, मैं सोचता हूँ कि क्या सी यानी समंदर ब्लू है। बराबर, मैं सोचता हूँ जो समंदर ब्लू है। चलो नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। रीड करना यानी पढ़ना, रीड करना इज फन यानी कि हमको वो आनंद देता है, मजा आती है उसमें हमको रीड करने में। तो इसमें हमने हमको वो पोएम में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमको वो क्वेश्चन आंसर है, तो हमको वो पहले समझने हैं, उसके बाद मैं आपको वो लिखवाऊंगी। तो फर्स्ट वाला, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्रॉइंग। तो चलो पहले उसको समझ ले कि इसमें वो क्वेश्चन है उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाला, व्हाट यानी कि क्या, डज द चाइल्ड यानी कि बच्चा, इन द पोएम यानी कि पोएम में, थिंक यानी कि सोचता है, अबाउट हिज ड्रॉइंग यानी कि अपने ड्रॉइंग पिक्चर चित्र के बारे में बच्चा क्या सोचता है। तो आपको मैंने कल आपको पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा क्या होगा उसका आंसर, बच्चा क्या सोचता है। तो उसका आंसर क्या है, द चाइल्ड थिंक दैट हिज ड्रॉइंग इज गुड देन द अदर चाइल्ड।